नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीपीसीसी 132 के हवाले से एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, समाजी नफ्सियात में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए। आज हमारी गुफ्तगू होगी आपके साथ समाजी असर व रसूख, जिसे अंग्रेजी में सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। नाज़रीन, हम सब अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और हम सब इंडिपेंडेंट होकर अपने में आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना पसंद करते हैं। हमारा जो रवैया होता है या हमारा जो बिहेवियर होता है, उसमें हम आज़ादी पसंद करते हैं, यानी कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना, अपने रवैये को पेश करना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, ये सब जो हमारे सामाजिक हरकत होते हैं, इसमें हम आज़ादी पसंद करते हैं और आज़ादाना तरीके से ही हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं भी। लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ हमारे ऊपर हमारे समाज का बहुत बड़ा असर होता है, यानी कि बहुत सारे रवैये, बहुत सारे तजुर्बात, बहुत सारी हरकतें हमारी ऐसे होती हैं जो हमारी अपनी पसंद, हमारी अपनी आज़ादी के बगैर होती हैं, यानी कि हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा कि हमारी ख्वाहिश कुछ और होती है, हम करना कुछ और चाहते हैं, हमारी पसंद कुछ और होती है, लेकिन हमें दूसरों के नज़रिए को ख्याल में रख करके या उनके तासुरात को ख्याल में रख करके अपने रवैये में तब्दीली करनी पड़ती है। ये तब्दीली जो हम दूसरों के लिए करते हैं, ये समाजी असर व रसूख का नतीजा होता है, यानी कि हमारे रवैये पर अगर किसी चीज़ का हमारे अलावा, हमारी ख्वाहिशों के अलावा किसी का असर पड़ता है, तो वो है समाजी, हमारा समाज या हमारे समाज का जो असर है, जो समाजी रसूख है, उनका असर हमारे रवैये पर पड़ता है और उसके तहत हम अपने रवैये को बदलते हैं, यानी कि हमारा जो रवैया होता है वो हमारे अलावा समाज के पसंद के, समाज के वैल्यू के हिसाब से ही हम करना पसंद करते हैं, ताकि वो रवैया नागवार ना हो, समाज की जो दूसरे लोग हैं उनको वो रवैया नापसंद ना हो और हमें भी पसंदगी या हमारा जो अप्रूवल है वो हमें मिलता रहे। मिसाल के तौर पर हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर आप रात में अकेले अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सड़क सुनसान है और कोई किसी तरह की ट्रैफिक नहीं है, तो आप आज़ादाना तरीके से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई रोकने वाला या किसी भी, आपको इस बात का अंदेशा नहीं है कि यहाँ पे कोई भीड़ है जिससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है या कोई ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पर हमें कोई रोक सकता है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर हम अपने तरीके से उसको वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन के वक्त में ये काम करते हैं तो अगर सड़क खाली भी मिलती है तो भी हम ये अपने तरीके से, अपने आज़ादाना रवैये से उसको, अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इस बात का खदशा रहता है, इस बात का डर रहता है कि हो सकता है कि आगे वाले मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस मिल जाए, ट्रैफिक सिग्नल मिल जाए, या कोई अचानक से सड़क क्रॉस करे या दूसरी गाड़ी कहीं से अगर आ जाए, तो इस बात के डर की वजह से हम ट्रैफिक के सारे कानून को मानते हुए खाली सड़क पर भी अपनी गाड़ी को उसी हिसाब से चलाते हैं जिस हिसाब से चलाने के लिए बताया गया है, या ट्रैफिक का के जो कानून होते हैं उसके हिसाब से हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं। तो ये जो रवैया हम में जो बदलाव आता है, वो बदलाव इसी समाजी असर का या रसूख का नतीजा होता है कि हम अपने रवैये को सोच समझ करके करते हैं, या अपने रवैये में हम अपने दूसरे लोगों के बारे में भी जब ख्याल करते हैं या उनके लिए भी जब हम सोचते हैं, तो हमारा रवैया जो है वो बदल जाता है। इसे ही सामाजिक असर या रसूख कहा जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक असर और रसूख में किसी दूसरे शख्स के अकायद, रवैयों या रवैये को तब्दील करने के लिए जानबूझकर गैर इरादी कोशिश शामिल होती है, यानी कि हम दूसरे के रवैये में बदलाव लाने के लिए जो कोशिश करते हैं वो सामाजिक असर और रसूख कहलाता है। अब
जब हम समाजी असर और रसूख को समझ गए हैं तो यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ये समाजी असर या सोशल इन्फ्लुएंस कितने तरह के होते हैं, कितने इसके अकसाम हैं। तो माहिर नफ्सियात ने इसके दो खास अकसाम बताए, एक को नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस बताया गया और दूसरे को इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस बताया गया। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि इसमें हम उस तरह के रवैये को मानते हैं या उस तरह के रवैये को करते हैं जिससे कि जो करना हमें पसंद आता है या जो कि किसी खास नॉर्म्स को किसी कानून के तहत होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस में हमारा रवैया उस तरीके का होता है जहां से हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो हम सड़क पर किस तरफ चलना पसंद करेंगे, अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग पर जाना ही सबसे ज्यादा सही होता है, ये हम दूसरे लोगों को देख करके अपने रवैये को बदल देते हैं। अगर हम दाहिनी तरफ से जा रहे हैं या हम बाईं तरफ से जा रहे हैं और बीच में जेब्रा क्रॉसिंग है तो हम बाकी लोगों को अगर जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ से जाते हुए देखते हैं तो हम भी जेब्रा क्रॉसिंग पर जाना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि वहां से गुजरना या उस तरफ से होकर के जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होता है। तो इस तरह का रवैया जहाँ हमें किसी दूसरे लोगों से किसी तरह की जानकारी मिलती है वो इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कहलाता है। इसी चीज को और अच्छे तरह से समझाने के लिए यहाँ पर देखिए आपके सामने नाज़रीन हमने दो तरह की स्लाइड्स बनाए हुए हैं, एक में है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस और दूसरा है नॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन में है कि जब यहाँ पर यहाँ एक स्लाइड देखिए लगा हुआ है और कुछ लोग वहां से उसको देख करके सीख रहे हैं कि यहाँ पर हम सही तरीके की जो जानकारी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें मिलती है तो हम उस तरह के उस रवैये को करना या उसे मानना ज्यादा पसंद करते हैं। जो दूसरा है कि हम वैसा रवैया करें नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में जिससे कि हमारे रवैये को पसंद किया जा सके या समाजी तौर पर उसे कबूल किया जा सके, तो ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। अब सामाजिक असर के कितने फॉर्म्स हैं, कितने और तरीके हैं, तो माहिर नफ्सियात ने अपने स्टडीज में अपने तजुर्बात के बिना पर इसे तीन तरीके का बताया, यानी कि इसके तीन अलग अलग एग्जाम बताए। उन्होंने बताया कि इसमें सोशल इन्फ्लुएंस या सामाजिक असर जो है वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें कि कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस को रखा गया। कंफॉर्मिटी में हम क्या करते हैं, कंफॉर्मिटी में हम दूसरों के रवैये के जैसा कि उनके रवैये के जैसे हरकत करना पसंद करते हैं, यानी कि हमारा रवैया भी वैसा हो जैसे कि दूसरे वाले का रवैया है, जैसे कि दूसरों का रवैया हो, इसमें हम पर कोई ऐसा कोई खास दबाव या प्रेशर नहीं होता है। कंप्लायंस में ये होता है कि हम दूसरे अगर दूसरे हमसे किसी चीज की गुजारिश करते हैं तो हम उसे तुरंत मान लेते हैं, यानी कि अगर हमसे कोई काम के लिए कहा जाता है या किसी किसी तरह के रवैये को पेश करने के लिए कहा जाता है तो हम उसे आसानी से मान लेते हैं, इसमें भी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो तीसरा रवैया होता है उसे ओबीडियंस कहा जाता है। ओबीडियंस में हमारा जो रवैया है वो बदलता है, यानी कि हम दूसरों के बातों को मानने के लिए मजबूर होते हैं और दूसरों की बात और दूसरों की किस तरह के दूसरे जो कि आला अफसरान है या किसी अथॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं उनके बातों को मानने के लिए हम मजबूर होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्लास में आप अपने टीचर की बात, अपने उस्ताद की बात मानने के लिए मजबूर हैं, अपने प्रिंसिपल की बात मानने के लिए मजबूर हैं, डॉक्टर क्या यहाँ जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मजबूर होते हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं अगर तो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनकी बात मानने के लिए आप मजबूर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे खास अथॉरिटी, कुछ ऐसे आला अफसरान होते हैं जो कि कायदे कानून से बंधे होते हैं और उनके कायदे कानून की वजह से आप उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें हमारा जो रवैया होता है उसमें बहुत ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि हम कई एक बार अपनी खुशी से नहीं मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको
आपका जो 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 ट्रैफिक पुलिस है वो आपको आपको हेलमेट के लिए या आपके सीट बेल्ट के लिए अगर पकड़ते हैं तो वहां पर आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और जो भी कानून है उस कानून के तहत आप अपना रवैया पेश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो सामने खड़ा जो इंसान है वो एक अथॉरिटी है, उसके पास कुछ ताकत है, उसके पास कुछ फोर्स है, उसका जो उसने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो आपको मजबूर करता है उसकी उसकी बात सुनने के लिए, उसके पास जो उस यूनिफॉर्म की वजह से, उस ड्रेस की वजह से, उस पोजीशन की वजह से, उस पोस्ट की वजह से जो ताकत है उसकी वजह से आप उसकी बात सुनने के लिए मजबूर होते हैं। अगर वो दूसरे कपड़े में आपके सामने खड़ा हो, यानी कि अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में ना हो और अगर आपकी गाड़ी को वो रोक देता है तो हम बड़ी आसानी से उसे आम इंसान समझ करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन हम उस अगर उसने हमारी गाड़ी रोकी होती है जिसने की यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिसके पास हम पूरी अथॉरिटी समझ रहे हैं, तो हम अपनी गाड़ी रोकने के लिए वहां पर मजबूर हो जाते हैं और हमें उनकी बातों को सुनना पड़ता है। तो ओबीडियंस में, खास करके ओबीडियंस का जो रवैया होता है ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा होता है जो कि जो जहां पर हम किसी अथॉरिटी को सुनने के लिए, अथॉरिटी को ओबे करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए मजबूर होते हैं। अब इस सब को अलग अलग तरीके से हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहली बारी आती है कन्फॉर्मिटी की। कन्फॉर्मिटी जिसे मुताबकत कहते हैं, मुताबकत अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ फिट होने या उनके साथ चलने के लिए आपके तर्ज अमल को तब्दील करने का अमल है। यानी कि दूसरों के साथ दूसरों के जैसा बनने के लिए हम जिस तरीके का रवैया पेश करते हैं उसे मुताबकत कहते हैं। यानी कि दूसरे स्लाइड में नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि कन्फर्मिटी या मुताबकत में हम ये हमारा जो रवैया होता है वो ये होता है कि हमारा अपना जो रवैया है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे अपने जो ख्यालात होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप में हैं, अगर हम झुंड में हैं या हम अगर एक समाज में हैं तो हम अपने रवैये में, अपने इजहार ख्यालात जो हमारा होता है उसमें हम बदलाव लाते हैं, क्योंकि समाज में हम सबके साथ मिलकर उन लोगों के जैसा बनने में ज़्यादा खुशी होती है या हम उन लोगों जैसा बनना ही बनना चाहते हैं जो हमारे आसपास है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस स्लाइड में 4-7 लोग हैं, 3 दाहिनी तरफ है, 3 बाई तरफ है और 1 बीच में है। बीच वाले इंसान जो पहले लाइन में है, बीच वाले इंसान का जो इजहार ख्याल है वो हाँ में है, यानी कि उसने यस कहा है किसी बात के लिए, और बाकी जो उनके जो अगल बगल जो 3-3 लोग हैं उनका इजहार ख्याल नो है, यानी कि नहीं है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर किसी भी मसले पर नहीं के रिस्पॉन्स में है, यानी कि उनका जो ख्याल है वो ना में है। सिर्फ 1 इंसान है जो हाँ में है, उसका जवाब हाँ में है या उसका जो ख्याल है वो हाँ में है। तो दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों का जो इजहार ख्याल हो गया वो ना में ही बदल गया, क्योंकि दूसरों के ना के साथ, यानी दूसरों के ख्याल के साथ हम अपना ख्याल मिलाने के लिए अपने ओरिजिनल ख्याल को, अपनी जो हमारी जो अपनी जो शख्सियत है उस ख्याल को हम बदल देते हैं और हम उनके जैसा या जो हमारे आसपास है उनके जैसा ही रवैया पेश करने में ज़्यादा आराम पसंद करते हैं या हमें ज़्यादा उसकी खुशी होती है। केलमैन 1958 ने मुताबकत के 3 अकसाम बताए। उन्होंने बताया कि मुताबकत में कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन होता है। कंप्लायंस में हमने जैसे बताया अभी आपको कि कंप्लायंस में हम दूसरों की गुजारिश को आसानी से मान लेते हैं, यानी कि इसे हम आसानी से अपना लेते हैं, यानी कि अगर कोई हमसे किसी चीज़ की गुजारिश करता है तो हम उसे मानने की कोशिश करते हैं या उसके जैसा रवैया पेश करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि आइडेंटिफिकेशन में हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं, अपनी हमारी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान होती है कि हम भी उस ग्रुप का हिस्सा है,
और इंटरनलाइजेशन में क्या है कि हम जो दूसरों के व्यूज हैं, जो दूसरों के ख्यालात हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर मुताबकत के बारे में सुलमन एश नाम के एक माहिर नफ्सियात, एक साइंसदान है, जिन्होंने अपने कुछ तजुर्बात के बिना पर इस कॉन्सेप्ट को, इस लफ्ज को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने इस पर अपना एक बहुत बड़ा जो है तहकीक किया, एक खोज की उन्होंने, एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के बिना पर उन्होंने इस ये नतीजा निकाला कि हम जो भी रवैया या जो भी इजहार ख्याल करते हैं उस पर सामाजिक असर का, समाज का या सामाजिक असर और रसूख का भी असर पड़ता है। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये होता है कि सामाजिक असर की वजह से हमारा जो अपना मिजाज है या हमारी जो अपनी सोच है उसमें भी बदलाव आता है। इसके लिए उन्होंने बहुत एक अपने लैब में एक अपने इसमें एक तजुर्बा किया और तजुर्बा करने के बाद उन्होंने इस नतीजे को लोगों के सामने रखा। तजुर्बा इस तरीके का था कि कुछ उन्होंने अपने लोगों को दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप में कुछ लोगों को रखा। एक ग्रुप जो था वो जिसमें कि वो जिस पर की तजुर्बा करना था, और जो दूसरा ग्रुप था वो झूठ था यानी या फिर सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए था ताकि वो नतीजे को सच साबित कर सके। यहाँ पर जो वैसा ग्रुप था जिस पर की तजुर्बा किया जाना था उनको ये दिखाया बताया गया कि एक स्टैंडर्ड लाइन दिया गया। स्टैंडर्ड लाइन को उसके सामने तीन अलग अलग लाइनें रखी गई उसके सामने और उनसे ये कहा गया कि आप दोनों को इस लाइन को इससे मिलाना है कि जो स्टैंडर्ड लाइन है उसके बराबर इन तीनों में से कौन सी लाइन है जो इनके बराबर है। तो देखा गया कि करीब 76% जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो जिन पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उन्होंने उनका जो तबादला ख्याल था वो उनके ख्याल से मिलता जुलता पाया गया जो कि फेक थे, यानी कि जो कि वैसे ग्रुप थे जो कि जिन पर की तजुर्बा नहीं किया जा रहा था और उनको बीच बीच में कुछ कुछ बताने के लिए रखा गया था, तो उनके उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनकी वजह से बदल गया। और ये देखा गया कि उनके जवाब के असर की वजह से उनका जो अपना जवाब था उसमें बदलाव पाया गया और उन लोगों ने उनके जैसा ही जवाब देना ज्यादा पसंद किया, यानी कि उस ग्रुप में जो बाकी जितने लोग थे उसके जैसा ही जवाब देना उन लोगों ने ज्यादा पसंद किया। ये पाया गया कि उसमें से 76% ऐसा रिजल्ट आया जिससे कि इस बात को ज्यादा सपोर्ट मिला, इस बात को मजबूती मिलती है कि हमारा जो रवैया होता है वो समाज के दूसरे लोगों के रवैयों से उस पर असर पड़ता है या उसके जैसा ही हम करना पसंद करते हैं। इसको सुलमन एश ने बहुत अपने तजुर्बे के बिना पर इस नतीजे को लोगों के बीच में रखा और मुताबकत के सिलसिले में सुलमन एश का ये तजुर्बा बहुत ही ज्यादा मकबूल हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से जो सच्चाई है उसको देखते हुए भी उनका जो रवैया होता है वो रवैया वैसा होता है जैसा कि वो देखना चाहते हैं, कि ना कि जैसा कि है, यानी कि जो जैसा दूसरे अगर बता रहे हैं, जैसे दूसरे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि यही सही है, तो हम ये जानते हुए भी कि ये गलत है हम उनकी बातों में आ जाते हैं या उनका असर हम पर पड़ता है और हम ये मान लेते हैं कि ऐसा है। जैसे कि आप इसकी एक मिसाल हम ये देख सकते हैं कि बार बार अगर किसी चीज का एडवर्टीजमेंट जो इश्तेहार होता है, जो अगर आप बार बार देखें, हो सकता है कि पहली बार में आप उसे पसंद ना करें या आप उस जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा यकीन भी ना करें, लेकिन जब इश्तेहार बार बार दिखाया जाता है और बार बार आपके सामने ये कहा जाता है कि ये अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम भी उसे मानने लगते हैं कि हाँ ये अच्छा है। ये जो हमारे रवैये में बदलाव आया, जो तब्दीली आई, ये तब्दीली उस इश्तेहार का असर था, यानी कि हमारे ऊपर उनका असर पड़ा जो कि हमारे आसपास है, हमारे समाज में है, या फिर दूसरी तरफ से हम ये कह लें कि अगर आपके
पांच छह दोस्त अगर किसी चीज को की सिफारिश कर देते हैं आपके लिए, तो आप ये जानते हुए भी कि वो चीज अच्छी नहीं है उसे अपनाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि जब बाकी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं, बाकी लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे हम इसको दोबारा से इसको एक बार फिर से आजमा के देख लेते हैं, या हो सकता है कि हमारा ही नजरिया कुछ गलत रहा हो, तो हमारे नजरिए में हमारे रवैये में बदलाव आ जाता है, क्योंकि हमारे आसपास का जो रवैया होता है, जो सामाजिक असर होता है, उसकी वजह से हमारे रवैये में ये बदलाव आ जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो एक और खास अहम बात है मुताबकत के सिलसिले में, कि मुताबकत को मुतासिर करने वाले कौन कौन से अवामल हैं, यानी कि उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुताबकत मुतासिर होती है। तो माहिर नफ्सियात ने खास तौर पर इसके चार तरीके के अवामल बताए, जिसमें कि कोहेसिवनेस, ग्रुप साइज, सोशल नॉर्म और सिचुएशनल नॉर्म। तो कोहेसिवनेस में क्या है कि कोहेसिवनेस में जिसे हम कह सकते हैं, कोहेसिवनेस तो अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में हम आहंगी कहते हैं। हम आहंगी में क्या है कि अगर एक जैसे लोग एक ग्रुप में हैं, जैसे किसी ग्रुप है, कोई ग्रुप है उसमें सिर्फ लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें ज्यादातर जितने भी उसके जो मेंबर होंगे उसका एक दूसरे से खिंचाव ज्यादा होगा और जल्दी होगा, क्योंकि उसमें सिमिलैरिटी है, समानता है, यानी कि सभी लड़कियां हैं। उसके अलावा अगर वो सभी लड़कियां एक ही एज ग्रुप की हैं, तो और नतीजा है कि लगाव और खिंचाव जो है वो बढ़ता है। लेकिन अगर उसमें चार लड़कियां हैं और दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं, तो उसमें कमी होगी, क्योंकि लड़कियां पहले लड़कियों की तरफ जाती हैं, लड़के फिर लड़के की तरफ जाते हैं, फिर उनकी उम्र का तकाजा होता है कि एक उम्र वाले लोग आपस में जल्दी मिलते हैं, एक तरह के लोग आपस में अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो वो एक तरफ ज्यादा ज्यादा झुकते हैं, अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका वो अपनी तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से ग्रुप के अंदर अगर जो लग ये है कि अगर एक जैसे उसमें एक जैसी चीजें अगर ज्यादा होती हैं किसी ग्रुप में, तो वो उसमें खिंचाव ज्यादा होता है और वो एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। इसके बाद आता है कि ग्रुप का साइज, यानी कि वो ग्रुप छोटा है या बड़ा है। तो देखा यह जाता है कि जो जो ग्रुप बड़ा है उसमें मुताबकत जो है वो ज्यादा पाया जाता है, कि अगर उसमें 8 से ज्यादा लोग हैं तो वो ग्रुप जो है वो ज्यादा उसमें उस ग्रुप के लोगों के बीच में मुताबकत जो है वो पाया जाता है, ना कि छोटे ग्रुप में। छोटे ग्रुप के लोग एक दूसरे को ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो भी रवैया करते हैं उसमें हम उस रवैये में बदलाव तभी होता है जब दूसरे के रवैये को देख करके हम उसकी जैसा रवैया करना चाहते हैं या उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर ज्यादातर लोगों को हम ये चीज देखते हैं, जैसे हमने अभी आपको मिसाल दिया कि अगर आपके चार दोस्त किसी एक चीज की सिफारिश करते हैं, तो आप अकेले अगर उस चीज की सिफारिश नहीं कर रहे होते हैं, तो आप उन चारों के सिफारिश की वजह से अपने इरादे को, अपने व्यू को, अपने जो आपके आप जो ख्याल आते हैं उसको आप बदल देते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि सिर्फ हम ही अकेले ऐसा सोचते हैं, बाकी सभी लोग तो अच्छा सोच रहे हैं, तो हम अपने हो सकता है कि हम कुछ गलत सोच रहे हो, और ऐसा सोच करके आपका अपना भी ख्याल जो है वो बदल जाता है। तो ग्रुप का जो साइज होता है ये इस बात के लिए जरूरी होता है कि अगर मुताबकत होगी, तो अगर ज्यादा बड़ा ग्रुप है, क्योंकि ज्यादा बड़े ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे, और ज्यादा ग्रुप जितने ज्यादा लोग होंगे उनका जो रवैया होगा वो आपको मुतासिर करने के लिए ज्यादा अहम हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद आती है बारी सोशल सिचुएशनल नॉर्म की, यानी कि हालात के वगैरह, कैसे हालात है, किस हालात में हमें कैसा करना है, कि किसी खास तरह के सिचुएशन, किसी खास तरह के हालात, किसी खास तरह के माहौल में हमें किस तरह का रवैया पेश करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में हैं, तो वहाँ आप गाना नहीं सुन सकते, आपको गाना बजाने की छूट वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आवाज कम से कम करने की कोशिश की जाती है ताकि लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो लाइब्रेरी के में अगर आप बैठे हैं, तो आपका आपका दिल कितना भी चाहे कि आप ऊंची आवाज में गाना सुने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी पार्क में अगर हैं, तो आप वो ये काम कर सकते हैं कि वहां पर आप अपना गाना जो है लगा करके वो सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर खामोशी की जरूरत नहीं होती है।
तो इस तरीके से अलग अलग हालात में, अलग अलग माहौल में हमारा जो रवैया होता है वो अलग अलग होता है। तो किस तरह के माहौल में, किस तरह के हालात में, किस तरह का रवैया होना चाहिए, ये इस चीज, ये भी मुताबकत के लिए जरूरी होता है। और जब लोग एक दूसरे के रवैये को देखते हैं तो वो सीखते हैं कि किस तरह के हालात में हमें किस तरह का रवैया करना पड़ेगा। इसके बाद सामाजिक मयार, इसके बाद बारी आती है कि सामाजिक मयार में। सामाजिक मयार में दो तरीके के नॉर्म्स को माहिरे नफ्सियात ने जरूरी बताया है। एक तो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म है और दूसरा इंजेक्टिव नॉर्म्स है। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म में ये है कि किसी खास तरीके का हालात जो है उसमें किस तरीके का रवैया करना चाहिए या किस तरीके का रवैया करते हैं। ज्यादातर लोग किसी खास तरह के हालात में किस तरह के रवैया करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव नॉर्म में है। और इंजेक्टिव नॉर्म सी में ये बताता है कि किसी खास तरह के सिचुएशन में, किसी खास तरह के हालात में किस तरह का रवैया करना चाहिए। तो पहले तरह का जो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स है वो ये है कि किस तरह का रवैया लोग करते हैं। जैसे कि अगर हम सिनेमा हॉल जाते हैं या आप खेल के मैदान में जाते हैं तो वहां हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने पसंदीदा टीम को हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी हरकत जो है वो हम वहां पर करते हैं। लेकिन हम अगर किसी जैसे बताया कि लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में हमारा रवैया अलग होता है। वहां हम चुपके से जाते हैं, आराम से धीरे से जाकर के खामोशी के साथ अपनी किताब को चुनते हैं और निकाल करके उसे हम वहां पर पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हम जोर से बोल कर भी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी के में बैठे दूसरे लोग जो है वो उससे उनको परेशानी होती है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि वहां की जो खामोशी है उसको हम बनाए रखें। तो ये रवैया हमारा डिस्क्रिप्टिव नॉर्म में होगा कि किस तरह के हालात में हम किस तरह का रवैया करते हैं। और इंजेक्टिव नॉर्म ये बताता है कि किस तरह के हालात में हमें किस तरह का रवैया करना चाहिए, यानी कि अगर किसी के यहाँ मौत हो गई है तो हम वहां पर जाकर की खुशी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि ये अगर दूसरे लोग गम मना रहे हैं तो हमें भी उनके गम में शरीक होना चाहिए, हमें भी उनके गम में बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, ना कि हमें अपनी खुशी जाकर के जाहिर करनी चाहिए। क्योंकि समाज के अगर वहां पर उस हालात में कुछ जो लोग दुखी हैं, जो लोग गमजदा हैं, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही रवैया पेश करना चाहिए ताकि हम उनका जो गम है, जो उनका जो दुख है वो हम बांट सके। तो इस तरीके से इंजेक्टिव नॉर्म्स जो होता है वो ये बताता है कि अलग अलग हालात में हमें किस तरह का रवैया करना चाहिए। अब इसके बाद मुताबकत की कुछ वजूहात है। वजह क्या है मुताबकत की, कुछ क्या 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 वजहें हो सकती हैं? तो यहाँ पर भी दो तरह के वजह है, ये वजूहात को शामिल किया गया है। एक है डोमिनेटिव सोशल इन्फ्लुएंस और दूसरा है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। जैसा कि हमने बताया कि नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस में हम किस तरह का रवैया करते हैं जो सामाजिक तौर पे अप्रूव्ड है, कि हम दूसरों की पसंद बनना चाहते हैं या हमारे जरिए जो काम किया गया है लोग उसे पसंद करें। और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस में किस बात की जानकारी होती है कि यहाँ पर हम उस तरीके का रवैया करते हैं जहाँ पर हमें कुछ जानकारी मिलती है, जहाँ पर जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस है उसमें जो बच्चा बोर्ड पर लिख रहा है और सामने उसकी जो टीचर है वो उसे उसको लिखने में मदद कर रही है, यानी कि वो उसे बता रही है। तो यहाँ पर जो रवैया हो रहा है वो किसी इंफॉर्मेशन के बाद हो रहा है कि आपको वहां से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो कि सही रहेगा। तो इस तरीके से मुताबकत के दो अलग वजहात हो गए, एक नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है और दूसरा है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। इन सब के अलावा मुताबकत के कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान हैं? कि सबसे पहले मुताबकत का जो नुकसान है वो ये है कि आपकी अपनी शख्सियत कहीं गुम हो जाती है, यानी आप अपनी बातों को, अपने रवैये को, अपने ख्यालात को छोड़ करके दूसरे के रवैये और ख्यालात को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा
जो आपके अंदर आपकी जो शख्सियत है उसका जो हिस्सा है, उसकी जो ताकत है, वो आपसे छिन जाती है। फिर आपके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हैं दूसरे के जब रवैये को अपनाने के लिए, तो आपकी अपनी सलाहियत कहीं गुम हो जाती है। आप अपनी वजहात देने में कामयाब नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपके चार दोस्त ने बताया कि किसी चीज के बारे में कि वो चीज सही है, तो आप भी उसे सही इस बिना पर मान लेते हैं कि वो चार लोग उसकी सिफारिश कर रहे हैं, यानी कि ज्यादातर लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, तो वो चीज अच्छी होगी। लेकिन आपकी अपनी जो शख्सियत है वो इसको सोचने समझने में मजबूर हो जाती है या नाकामयाब हो जाती है कि आखिर वो चीज अच्छी क्यों है। अगर कोई जरूरी नहीं है कि चार लोग किसी चीज को सही कह रहे हैं तो वो चीज वाकई सही है, हो सकता है कि एक अकेला इंसान भी उसकी सही और गलत पहलू को दिखा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर इतना सामाजिक असर हो जाता है कि हम उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने अपनी जो हमारे जो ख्यालात हैं उसको हम कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है, मुताबकत का ही नुकसान है। और उसके अलावा अलग अलग तरीके से सोचने समझने की जो सलाहियत है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो मुताबकत के कुछ खास अलग अलग फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। इसके बाद तब सवाल आता है कि आखिर किस तरीके से हम मुदाकत के खिलाफ मजाहमत कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। तो कमी लाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी जो शख्सियत है उसको, उसकी चाह जिंदा रखें। यानी कि हम ये सोचें, हम ये माने कि हमारी राय क्या है, हम क्या चीज है, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी, हमारी अपनी जो शख्सियत है वो कितनी ज्यादा सही है और कितना ज्यादा मजबूत है। जितनी ज्यादा मजबूत होगी उस पर उतना ज्यादा हम पर सामाजिक रसूख का जो असर है वो कम होगा। और उसके बाद एक खास बात और हो रही है कि अपने ऊपर हम अपने को कितना काबू कर सकते हैं, कितना कंट्रोल है हमारा अपने ऊपर, हम क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं, और कमजोर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमको भरोसा नहीं होता अपनी अपनी शख्सियत पर, अपने इरादों पर, अपनी सोच पर, तो इसलिए हम दूसरे की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम कितना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, कितना अपने को मजबूत कर सकते हैं, अगर ऐसा सोच सकते हैं तो इससे काफी हद तक मुताबकत में कमी आ सकती है। इसके बाद एक जरूरी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है अकलियती असर और रसूख, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। अकलियती असर और रसूख से मुराद क्या है? अकलियती का मतलब होता है कम, और जो कम होता है सुनने में ये लगता है कि वो कमजोर होता है, लेकिन कभी-कभी जो अकलियत होती है, जो कम कम जिन्हें हम कम मानते हैं, वो चीज कहीं ज्यादा असरदार होती है मेजॉरिटी पर। यानी कि अकलियत या जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी पर अपना असर डालती है। जैसे कि बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन हुए या बहुत सारे जो अलग अलग चीजें बदलती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए कि महात्मा गांधी जैसे इंसान ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर नहीं क्या, या बहुत ही कम है ये हम कह सकते हैं, लेकिन उनका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ा। तो यहाँ पर उनकी जो शख्सियत है वो माइनॉरिटी है और उसका असर जितने लोगों पर पड़ा वो मेजॉरिटी है। तो इस तरीके से माइनॉरिटी का इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसका असर पड़ता है मेजॉरिटी पर। बहुत सारे कितने सारे जैसे कि बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जिन्होंने अपनी अपने नज्म से, अपने लिखावट से लोगों पर ऐसा असर डाला कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। तो एक इंसान अगर जितने लोगों पर अपना असर डाल सकता है, इसे माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कहा जाता है। कि कम कम जो लोग कम तादाद में हैं उनका उन जैसे लोगों का अगर ज्यादातर लोगों पर असर पड़ता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी एक ताजा मिसाल हम लें, जैसे लता मंगेशकर, उनकी जो गायकी है, उनकी जो मौसीकी थी, उससे
कई हजार करोड़ लोग जो हैं वो मुतासिर हैं और उनको पसंद करते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो एक शख्सियत जो है वो कई करोड़ों लोगों को जब उन पर अपना राज करता है तो इसे माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कहा जाता है। ये भी एक समाजी रसूख का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद तामील, तामील यानी कंप्लायंस, यानी कि हम जब दूसरे लोग दूसरे शख्स की दरखास्त या हिदायत पर अपने रवैये को तब्दील करते हैं तो हम इसे तामील कहते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि दूसरों की रिक्वेस्ट को, दूसरों की गुजारिश को, दूसरों की दरखास्त को हम मान लेते हैं, हम अपना लेते हैं, तो ये हम इसे हम तामील कहते हैं। और तामील के सिलसिले में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिंसिपल या हिकमत अमलियों को पेश किया गया है, जिसमें से खास तरीके से 6 तरीके के हिकमत अमलियों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें पहला है फ्रेंडशिप, दोस्ती, कमिटमेंट, स्कार्सिटी, रेसिप्रोसिटी, कंसेंसस और अथॉरिटी। यानी कि फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तामील में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे अलग अलग उसके प्रिंसिपल हैं जिसके जरिए तामील का जो रवैया है वो ज्यादातर देखने को मिलता है या उससे आसान किया जाता है। जिसमें सबसे पहले है बाहमी ताउन, जिसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। बाहमी ताउन में दूसरे लोगों के साथ बाहमी फायदेमंद तबादला करना शामिल है। यानी कि आपसे अगर हम आपने कभी हमारी मदद की तो हम आपसे मुतासिर हो जाते हैं और फिर हम मजबूर होते हैं आपके किसी बात को मानने के लिए या किसी काम को करने के लिए। यानी कि कभी जब अगर आपने जो हमारी मदद की तो उस मदद के बाद हम इतने मुतासिर हो गए कि अब हम आपकी मदद करने के लिए मजबूर होते हैं। इसके लिए बाहमी ताउन पर मबनी कुछ तकनीक है, जिसमें कि 2 तरह की तकनीक को माहिर नफ्सियात ने खास बताया है। जैसे पहला है इसमें डोर इन द फेस और दूसरा है दैट्स नॉट ऑल। तो डोर इन द फेस में क्या होता है कि पहले आपके सामने कुछ बड़ी तजवीज की जाती है, कुछ बड़ी चीज रखी जाती है, जब आप उसे मना करते हैं तो फिर आपके सामने छोटी चीज को लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर उनसे एक बार का पूछा गया कि क्या आप मुझे $100 उधार दे सकते हैं, आपसे हम $100 ले सकते हैं। तो सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, $100 बहुत ज्यादा है। फिर तब उसकी रकम को घटा करके यहाँ पर कहा गया कि क्या हम $10 ले सकते हैं। तो उन्होंने $10 तुरंत दे दिया कि हाँ जरूर आप $10 ले सकते हैं हमसे, आप इसे ले लीजिए। इस तरह की बारगेनिंग अक्सर आप अपने जब भी हम किसी चीज की खरीदारी करते हैं तो हमें वहां पर देखने को बड़ी आसानी से मिलती है कि अगर आप किसी चीज का दाम पूछते हैं किसी चीज का को खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको जब बताया जाता है कि इसका दाम 100 रुपए है और आप उसको इसके लिए तैयार नहीं होते हैं या आप उस चीज को फिर लेने से मना कर देते हैं कि नहीं भाई इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसको नहीं खरीद सकते हैं, फिर तब उसकी कीमत को वो दुकानदार जो है वो कुछ कम करके बताता है, फिर आप कुछ अपनी तरफ से कम करके बताते हैं। और इस तरीके से फिर जब आपको लगने लगता है कि इसकी कीमत आपके हिसाब से सही है तो फिर आप उसको कीमत चुका करके वो चीज खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर डोर इन द फेस टेक्निक में ये चीज होती है कि पहले जो आपके सामने एक बड़ा ऑफर जो है वो दिया जाता है, जब वो आपको बहुत मुश्किल लगता है तो आपके सामने एक आसान ऑफर दिया जाता है जिससे कि उस चीज को आप आसानी से अपना सकते हैं। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक में ये चीज है किया जाता है कि आपके सामने कोई किसी चीज को उसके साथ कुछ कोई चीज जैसे बोनस के तौर पे दी जाती है, जैसे कि आपको इसके साथ ये चीज फ्री मिलेगा या आपको कुछ इसके बदले में ये चीज डबल मिलेगी। ये चीज जो है दैट्स ऑल टेक्निक में दिखाया जाता है, जिससे कि हम उसकी तरफ ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसके बाद है अज़्म और मुस्तक़बिल मिजाज, यानी कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी जो है इसमें क्या है कि लोग अपने कॉल और फॉल में मुताबिकत जाहिर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कमिटमेंट है, इसीलिए अपने कॉल और फॉल में यानी कि कहने और करने में हर तरह की वो
मुताबिक जो है वो जाहिर करते हैं। इसके लिए भी दो तरह के टेक्निक है, पहला है फुट इन द डोर और दूसरा है लो बॉलिंग टेक्निक। तो फुट इन द डोर में क्या होता है कि पहले आपके सामने छोटी रिक्वेस्ट पहले आपके सामने किया जाता है कि पहले आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा और फिर आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि फिर आपको उसके जाल में फंसाया जाता है कि आप अब आपने ये कर लिया, फिर अब आप ये करिए, उसके बाद फिर ये करिए, फिर ये करिए। इस तरह से करते करते आपको बड़े से मसले में या बड़ी चीजों में उलझाया जाता है। लो बॉलिंग में है कि यहाँ पर कि छल कपट के तरीके से झूठ झूठ से कि पहले आपके सामने रखा जाता है कि बहुत कम दाम में ये चीज मिल जाएगी आपको, ये आप ले सकते हैं, और बाकी चीजें बाकी जो शर्तें हैं उसकी उसको छुपा के रखी जाती है कि जब पहले आप उस चीज को पसंद कर लेते हैं, जब खरीद लेते हैं, तो फिर बाकी उसकी जो कड़ी शर्तें हैं, जो ज्यादा मुश्किल शर्तें हैं, उसको बाद में आपके सामने जाहिर किया जाता है। तो इसको कहा जा सकता है कि छल कपट के जरिए जो है हम इस तरह के मुताबिकत जो है पेश करते हैं। इसके बाद कमी के उसूल, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी में क्या होता है कि कोई चीज जितनी कम होती है उतने ज्यादा लोग उसके पीछे भागते हैं या उसे पाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये मार्केट में किसी भी चीज के लिए अगर ये र्यूमर या अफवाह उड़ा दी जाती है कि वो चीज खत्म हो रही है, तो लोग अंधाधुंध चाहे उसको उन्हें उसकी जरूरत हो या ना हो, वो उस चीज को खरीदने के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है, इस बात का खतरा होता है कहीं वो चीज खत्म हो गई तो फिर वो चीज उन्हें कैसे मिलेगी। इसलिए इस चीज को इस बात को पे जोर डाल के कि वो चीज खत्म होने वाली है, उसकी कमी होने वाली है, लोग जैसे कि कभी कई एक सीजन में होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे बताया जैसे कि प्याज ही, प्याज का दाम बहुत बढ़ गया, अब प्याज जो है मार्केट में खत्म होने वाला है, तो लोग उसको स्टोर करने लगते हैं, अपने घरों में जमा करने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा खरीद करके। तो इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा होता है कि कहीं वो नहीं मिलेगा या उसकी कीमत और बढ़ जाएगी तो फिर हमको खरीदना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो उसमें इस बिना पर खरीदने लगते हैं। इस पर भी दो तरह की अलग अलग टेक्निक है, जो तकनीक उसकी जो तकनीकें हैं वो है कि प्लेइंग हार्ड टू गेट और दूसरा है डेडलाइन टेक्निक। प्लेइंग हार्ड टू गेट में ये चीज होता है कि खरीदना बहुत मुश्किल होगा, वो चीज पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके उस चीज को जितना जल्दी हो सके हम अपना लेते या खरीद लेते हैं। और डेडलाइन टेक्निक, जैसा कि आप नाज़रीन आपको पता होगा कि हर चीज के बारे में कि इस मुद्दत तक ये चीज है, जैसे कोई मेला लगता है तो उस वो मेला आपको है कि यहाँ से इतने दिन से 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रहेगा, तो 15 तारीख उसका डेडलाइन है। अब आपको खरीदारी अगर करनी है तो आप 15 तारीख के अंदर ही खरीदारी करेंगे, 16 तारीख को वो चीज खत्म हो जाएगी। तो डेट हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि तब हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, उस चीज को पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं कि भाई 15 के बाद तो वो खत्म हो जाएगी, तो हमको जितनी जल्द हो सके 5 से 15 के बीच में वक्त निकाल करके वहां जाना है और उन चीजों को खरीदना है। तो डेडलाइन दे करके किसी ऐसी चीज को हम ज्यादा खास बना देते हैं जो कि उतनी खास नहीं भी होती है। इसके बाद है लाइकिंग और फ्रेंडशिप, दोस्ती या पसंद का। तो दोस्ती और पसंद के जो उसूल है उसके मुताबिक लोग अजनबियों के बजाय दोस्तों की दरखास्तें कबूल करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों पर हम जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो या हमारे पहचान वाले हो, तो उन पर हम एतबार ज्यादा करते हैं बजाय कि जो अजनबी हैं। तो जो अजनबी है वो हमारे लिए गैर के जैसे होते हैं, तो उन पर हम भरोसा कम करते हैं, और जो दोस्त हैं हमारे, जो रिश्तेदार हैं हमारे, जो जिनसे हमारी अपनी कुछ पहचान होती है, उन पर हम भरोसा ज्यादा करते हैं। तो उन पर उनको उनकी बताई हुई चीजों या उनके रवैयों को अपनाना हम ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि वो भी जो हमें बताएंगे या वो जो किस तरह का रवैया करने के लिए कह रहे हैं वो ज्यादा सही हो सकता है। इसके भी दोस्ती या पसंदगी पर जो तकनीक है उसमें सबसे खास तकनीक है इनग्रेटिएशन। इनग्रेटिएशन में ये होता है कि लोग अपने को दूसरों को के सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं या बहुत
लोगों के सामने अपना जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा बनाते हैं, ताकि जो दूसरे हैं वो उनसे वो उन पर उनका असर हो जाए, और जब कभी वो अपने बारे में किसी काम को उनसे करने के लिए कहें तो वो उसे आसानी से करें। इसके इसमें दो तीन अलग अलग तरीके से वो अपना जो असर है दूसरों पर दिखाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है फ्लैटरी, जिसमें कि अपनी तारीफ करके दूसरों की खूब अच्छे से तारीफ अगर हम करते हैं तो उससे वो क्या होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं और हमें भी पसंद करने लगते हैं। सेल्फ प्रमोशन, यानी कि हम अपनी तारीफ करते हैं कि हमने ये ऐसा किया, हमने वैसा किया, इस तरह से करके हम तो ऐसा कर सकते हैं और हम वैसा कर सकते हैं, तो सामने वाला जो सुनने वाला होता है वो हमसे मुतासिर इसलिए होता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये आदमी तो बड़ा काम का है और इसने इतने सारे काम किए हैं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि हम अपना जो इम्प्रेशन होता है वो काफी अच्छा बनाने लगते हैं इस तरीके से। और तीसरा है इंसिडेंटल सिमिलैरिटी। इंसिडेंटल सिमिलैरिटी में ये चीज बात आती है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने साथ दूसरों का मेल करवाते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे मिल जाता है तो आप कहते हैं कि अरे तुम भी उसी गांव के हो, हम भी उसी गांव के हैं, तो यहाँ पर गांव जो है वो आपका एक एक सिमिलैरिटी हो गया। अच्छा अच्छा तुम्हारा जो तुम भी आर्ट्स के स्टूडेंट हो और हम भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उस तरीके से एक तालमेल जो बन जाता है, तो इस तरीके से एक तरह की जो पहचान होती है, जो सिमिलैरिटी होती है वो हम जाहिर करते हैं, और कर करके एक दूसरे से जो लगाव है या एक दूसरे से जो बातचीत का जो सिलसिला होता है वो बढ़ाते हैं और हमारा जो रिलेशन है वो मजबूत हो जाता है इस बिना पर। हालांकि हम उस इंसान को पहले कभी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो हमें पता चलता है कि वो हमारे शहर से ताल्लुक रखता है, हमारे रिलीजन से ताल्लुक रखता है या हमारे क्लास से ताल्लुक रखता है, तो हम कहीं ना कहीं उसके नजदीक आने लगते हैं और फिर इस तरह से हमारी जो दोस्ती का सिलसिला है वो बढ़ने लगता है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी दोस्ती को हम मजबूत बनाते हैं। तो इस तरीके से भी सामाजिक असर जो है उसका असर पड़ता है, सामाजिक रसूख का असर पड़ता है। इसके बाद अथॉरिटी या इख्तदार की बात आती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जो अफराद जो अपने शोबों में मुस्तहद हैं, यानी कि आला अफसरान हैं, मोतबर हैं या बाशऊर माहरीन होते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा बासर और कायल होते हैं जो कि नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके सामने अगर हमने आपको कोई एक दवा तजवीज की तो आप हमारी बात इसलिए नहीं मानेंगी क्योंकि आपको पता है कि हम एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर एक डॉक्टर आपको वो दवा तजवीज करता है तो आप उसकी बात आंख बंद करके मानती हैं क्योंकि आपको पता है कि वो एक डॉक्टर है और वो इस एरिया में इसमें वो माहिर है, तो उसके उस सफेद कोट का असर पड़ता है इतना कि मेरी बात सही होते हुए भी मेरी जो दवा होती है वो खराब नहीं होती है, वो गलत नहीं होती है, लेकिन तब भी आप उसकी दवा को ज्यादा तरजीह देती हैं क्योंकि वो उस एरिया में माहिर है। इसी तरीके से किसी टीचर, किसी प्रोफेसर, किसी पुलिस ऑफिसर वगैरह वगैरह की के बातों को उनके अलग अलग दायरे के तहत हम ज्यादा मानते हैं, ज्यादा तरजीह देते हैं, जो कि दूसरे एरिया के लोग के मुकाबले वो ज्यादा उस मामले में माहिर होते हैं। तो अथॉरिटी का अपना एक ऐसा रोल होता है, एक ऐसी अपना उनका किरदार होता है कि हम उनकी उनके बातों को मानने के लिए मजबूर होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस चीज के माहिर हैं और इस बात का सबूत उनका वो कोट, उनकी वो बैच, उनका वो उन पर जो मोहर लगी होती है वो उनकी वो मोहर इस बात के कायल है कि वो उस चीज के माहिर है। इसके बाद समाजी सबूत, सोशल प्रूफ। कि सोशल प्रूफ में ये है कि जिस चीज को समाजी सबूत जितना मिला है, जैसे कि हमने बताया कि आपको आपके चार दोस्त अगर किसी चीज की सिफारिश करते हैं तो आप उसको उसे सही मानने के लिए मजबूर होते हैं, उसी तरीके से अगर 100 लोग उस चीज की सिफारिश कर देते हैं तो उस चीज को और ज्यादा मजबूती मिलती है और हम उसे मानने के लिए मजबूर होते हैं कि इतने सारे लोग उस चीज को अपनाते हैं। जितने सारे जो ब्रांड होते हैं हमारे वो क्यों इतने ज्यादा मकबूल हैं, वो मकबूल इसलिए है कि ज्यादातर लोगों ने उसे अपनाया है और उस पर अपनी मोहर लगाई है कि हाँ ये सही है। अगर हम ये बात करें कि लक्स साबुन बहुत अच्छा होता है, तो लक्स साबुन को
मानने वाले जब आप आपके सामने 1000 लोग खड़े हो जाते हैं तो आप मजबूर होते हो जाते हैं इस बात को मानने के लिए कि हाँ सचमुच लक्स साबुन जो है वो अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब इतने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर एक अच्छी चीज है। तो सामाजिक सबूत भी एक अलग प्रिंसिपल या एक अलग फैक्टर है। और अब है अतायत, ओबीडियंस। जैसे कि हमने आपको बताया कि अतायत समाजी असर व रसूख का एक शक्ल है जिसमें किसी अथॉरिटी शख्सियत के हुक्म के तहत कार्रवाई करना शामिल है। यानी कि हम यहाँ पर किसी की बात मानते हैं, किसी की बात मानने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, क्योंकि सामने वाला जो जिसे हम पर कमांड दे रहा है, जो हमसे अपनी बात मनवाना चाहता है, उसकी बात को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास वो कोट है, वो बैज है, वो मोहर है, वो ताकत है, वो फोर्स है, जिसकी वजह से हम उस बात को मानने के लिए मजबूर हैं। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक पुलिस ऑफिसर, इन सब की बातों को अलग अलग जगहों पर उनके दायरे के मुताबिक मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि हम उनके मातहत होते हैं और उनके पास इसका एक सर्टिफिकेट होता है इनकी ओर कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो कानून के दायरे में है, या वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ओबीडियंस में, कंप्लायंस में ये होता है कि हम दूसरे के से मुतासिर होकर उनकी बातों को मान लेते हैं या उनके रिक्वेस्ट को हम अपना लेते हैं, उनकी दरखास्त को हम मान लेते हैं। लेकिन ओबीडियंस में हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि सामने वाला हमारा अथॉरिटी है और हम उसकी बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं। ओबीडियंस को समझाने के लिए मिलग्राम नाम के एक साइंसदान ने इस पर अपना तजुर्बा किया और अपने तजुर्बात के बिना पर उन्होंने ओबीडियंस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। मिलग्राम का जो ओबीडियंस का तजुर्बा था वो कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने एक दो ग्रुप लिए, जिसमें कि एक ग्रुप में एक टीचर और दूसरा उसका स्टूडेंट, यानी कि एक शागिर्द और एक उस्ताद का काम करना था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो टीचर था, जो उस्ताद थे, उनको एक कुर्सी पर बिठाया गया और उन्होंने एक, आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं कि एक इस तरह का एपरेटस लिया जिसमें कि 30 लीवर लगे हुए थे और उससे इलेक्ट्रिक शॉक जो था, हर लीवर को दबाने से इलेक्ट्रिक शॉक जो था वो निकलता था और हर इलेक्ट्रिक शॉक 15-15 वोल्ट के फर्क पे था। यानी कि एक लीवर वन को दबाने पे 15, दो को दबाएंगे तो 30, तीन को दबाएंगे तो फिर 45, इस तरह से करके 450 वोल्ट तक वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया हुआ था। तो करना क्या था कि एक टीचर जो था, जो रहेगा, वो उस टीचर को सामने बैठ जाना है और जो उसके जो शागिर्द है वो सामने बैठेंगे और टीचर को कुछ पेयर जो लफ्ज होते हैं, जो जोड़े में होते हैं लफ्ज, उनको बोलना था। उस जोड़े के लफ्ज में से एक लफ्ज टीचर बोलेगा और दूसरा लफ्ज जो है वो जो शागिर्द है उसको बोलना था। और शागिर्द अगर नहीं बोलता है या उसने गलत कहा तो उसको पनिशमेंट के तौर पर एक लीवर दबा करके इलेक्ट्रिक शॉक देना था टीचर को। तो यहाँ पर टीचर को एक तरफ बिठा दिया जाता है और दूसरी तरफ से शागिर्द को बिठाया जाता है और दूरी इतनी रखी जाती है कि जो उस्ताद और शागिर्द है सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं और शागिर्द को बोल करके जोर से अपने रिस्पांस को देना था और वहां पर जो उस्ताद थे वो एक जोड़े वाले एक जोड़े लफ्जों को बोलते थे, उसमें से एक लफ्ज को बोलते थे, दूसरा लफ्ज को शागिर्द को बोलना था। तो यहाँ देखा गया कि जैसे ही उसने टीचर जो उस्ताद थे उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई एक बार जो उनके शागिर्द थे उन्होंने गलती की, हर गलती पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। तो पहले जब कम इलेक्ट्रिक शॉक था तब तक का तो मामला ठीक था, लेकिन जब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ाया गया तो जो उस्ताद थे उनको भी उस लीवर को दबाने में हिचकिचाहट महसूस हुई और इसके लिए उन्होंने अपने जो तजुर्बेकार थे उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको इस बात के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि आप बीच में तजुर्बे को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको करना ही है।
और हर गलती के लिए आपको उसको इलेक्ट्रिक शॉक को बढ़ाते जाना है। जैसे कि अगर उसने पहली गलती की तो 15 वोल्ट का, दूसरी गलती की उसने तो 30, तीसरी गलती की तो उसे 45, इस तरीके से करके वो उस वोल्ट को, इलेक्ट्रिक शॉक के वोल्ट को बढ़ाना था। तो 300 वोल्ट तक आते आते जो शागिर्द थे वो छटपटाना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं और अपने रिस्पॉन्स को बोलना बंद कर देते हैं। तो जब रिस्पॉन्स को बोलना बंद कर देते हैं तभी उनको शॉक दिया जाता है, क्योंकि जो तजुर्बेकार है उनको भी उनका ये मानना था कि नहीं बोलना भी एक तरह की गलती है और इस गलती के लिए उनको सजा दी जाएगी। तो सजा के तौर पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 65% जो एक्सपेरिमेंटर थे जो उस्ताद थे उन्होंने ओबे किया, उन्होंने उनकी अपने जो एक्सपेरिमेंटर थे जो तजुर्बा कर रहे थे उनकी बात को माना या मानने के लिए इसलिए मजबूर थे क्योंकि उनको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है, हर हालत में ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है और बीच में आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनकी बात को, उनके अथॉरिटी को मानते हुए उस टीचर को अपनी नापसंदगी के बावजूद उस काम को करना पड़ा क्योंकि उनके अथॉरिटी का ये हुक्म था। तो इस तरीके से ये देखा गया कि 65% जो टीचर जो थे उन्होंने ओबे किया, उनकी बातों को माना। और तो इससे ये जाहिर होता है कि अथॉरिटी की वजह से, उनकी का वजह से हम किसी बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं। अब है कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, ये तबाहकुन जो होते हैं कि अतायत, वो क्या होती है कि ये दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तबाहकुन अतायत की कुछ अलग अलग वजूहात है। वजूहात ये है कि सबसे पहले तो वो अथॉरिटी है जो उसके लिए जिम्मेदार होता है, उस अथॉरिटी की का जो पावर होता है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है कि उसके अपने पावर का वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल अगर हम तोड़ते हैं तो जब ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ता है तो हम उस ट्रैफिक पुलिस की बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उसके पास पावर है, वो हमारा जुर्माना कर सकता है, वो हमें सजा दिलवा सकता है, हमारी गाड़ी को जब्त कर सकता है वगैरह वगैरह। तो उसके पावर को मानने की वजह से, उसके पावर की वजह से हम उसकी बात को मानने के लिए मजबूर होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ उनका जो कमांड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम उससे उनके उस एक्शन को करने के लिए मजबूर होते हैं। अब इसके बाद है कि इसके तबाहकुन अतायत के खिलाफ मजाहमत, इसको रोक कैसे सकते हैं। तो तब इसको हम रोक करने के लिए, इसको रोकने के लिए, यानी कि डिसओबीडियंस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओबीडियंस को रोकने के लिए, कि जो भी शख्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर उस किसी भी काम को करने की जो जिम्मेदारी होती है उसको समझ सकते हैं कि वो जिम्मेदारी उनकी है, उनकी भी है। सामने जो अथॉरिटी, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर हमें दवा दे रहा है तो उसकी दवा को खाने के लिए हम मजबूर हैं कि वो उसने हमें दवा लिखा है, लेकिन तब हमें भी, हमारे अंदर भी इतनी समझ, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि उस दवा से हमको फायदा हो रहा है या नहीं, या क्योंकि अपने अपनी सेहत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। वो डॉक्टर तो जिम्मेदार है ही, साथ में हम भी जिम्मेदार हैं कि हमको उससे फायदा हो रहा है या नहीं, या हमें ये दवा आगे खानी है या नहीं खानी है, या हमें किसी दूसरे तरीके के डॉक्टर से दिखाना ज्यादा सही होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है, ना कि सिर्फ हमें उनके उस चीज को मानते चले जाना है। उसके बाद है कि एक जो डिस्ट्रक्टिव कमांड होता है वो कितना सही है, वो उस चीज को परखना है कि क्या हम किसी के जो बुरे कमांड है या जो खतरनाक कमांड हो सकते हैं उसको भी हम किस हद तक मान सकते हैं। अपने जो अथॉरिटी है उनके पावर को समझना कि इस किस तरीके से हम उनके पावर को जाने समझे कि उसका वो बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या उनका पावर कितने हद तक जाके खत्म होता है, या उनका जो पावर है वो अपने पावर से ज्यादा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं वो अपने पावर से कुछ कम का इस्तेमाल तो नहीं कर। तो किसी एक इंसान का, किसी एक अथॉरिटी की जो पावर होती है उस पावर को समझना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम अगर उसको समझ लेते हैं तो काफी हद तक हम ओबीडियंस को, डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को हम नहीं रोकेंगे तो क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि दूसरों को नुकसान होने के खदशात जो है वो ज्यादा हो जाते हैं।
इस तरीके से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम दूसरे के खदशात को या दूसरे के जो नुकसान है उसको कुछ कम कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को भी कुछ कम कर सकते हैं। तो नाजरीन उम्मीद करती हैं कि इस आज के इस गुफ्तगु से आपको जरूर कुछ फायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर एक नए उनवान के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।